करेंगे जलीकट्टू की। तमिलनाडु में जलीकट्टू के लिए आंदोलन अब तेज हो गया है। चेन्नई के मरीना बीच पर प्रदर्शन कर रहे लोगों की तादाद 50,000 से ज्यादा हो चुकी है। जलीकट्टू के समर्थन में कई संगठनों ने आज तमिलनाडु में बंद भी बुलाया है। इस बीच अहम खबर ये कि मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। सिर्फ चेन्नई या तमिलनाडु नहीं बल्कि जलीकट्टू के समर्थन में कर्नाटक से लेकर दिल्ली और अब श्रीलंका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। आम आदमी के साथ ही अब खास लोग भी जलीकट्टू के समर्थन में उतर आए हैं। ये तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की है जहां पर जलीकट्टू को लेकर सड़कों पर लोग उतर आए हैं, तो वहीं चेन्नई में मंगलवार से ही जलीकट्टू को लेकर जो विरोध लगाया गया है उसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है। मरीना बीच पर 50,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो चुके हैं और विरोध में ट्रेनें भी आज रोकी गई हैं। और जो सेलिब्रिटीज़ का जिक्र आप रेखा कर रही थी, बड़े लोगों ने भी समर्थन इसको लेकर किया है, चाहे वो रजनीकांत हो या कमल हासन हो। कल ही देर शाम एआर रहमान जो कि ऑस्कर अवार्ड विनर हैं, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया आज को लेकर। उन्होंने कल कहा था कि वो एक दिन का उपवास रखेंगे इसके समर्थन में। तो लगातार जो प्रदर्शन है और समर्थन है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ। मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम पहुँचे भी थे प्रधानमंत्री के पास कि सरकार इस पर अध्यादेश लाए। अब ऐसे में इस बीच खबर ये भी आई थी कि रजनीकांत आज प्रदर्शन में भाग लेंगे। और रही बात अध्यादेश की, तो चूंकि ये खेल से जुड़ा हुआ मामला है लिहाजा राज्य सरकार भी इसको लेकर अध्यादेश ला सकती है। तो इधर जलीकट्टू के समर्थन में आज चेन्नई में डीएमके ने विरोध प्रदर्शन किया है। सैकड़ों की संख्या में डीएमके कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान बैरिकेडिंग जो लगाई गई थी उसको भी तोड़कर ये कार्यकर्ता आगे की तरफ को बढ़ते जा रहे हैं। तो मरीना बीच पर जलीकट्टू को लेकर प्रदर्शन जारी है। डीएमके के कार्यकर्ता हैं जो कि जलीकट्टू को लेकर विरोध अपना दर्ज करवा रहे हैं। इस दौरान पुलिस बल को भी काफी तादाद में यहाँ पर तैनात किया गया है। तो जलीकट्टू के समर्थन में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। डीएमके कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। इसके अलावा वो आज रेलवे ट्रैक पर भी उतर आए और वहां उन्होंने ट्रेन रोकने की कोशिश की है। जो स्टालिन है वो इसका नेतृत्व कर रहे थे और रेल रोको अभियान उन्होंने वहां पर चला रखा है। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। इस बीच मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि शांति बनाए रखें। सबसे ज्यादा परेशानी जो राज्य सरकार है उसके लिए, क्योंकि जो इसके विरोध में लोग उतरे हैं सड़कों पर वो समर्थक बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, और सीएम लगातार दिल्ली में डेरा भी जमाए हुए हैं। प्रधानमंत्री से भी उन्होंने बातचीत की है और खबर ये भी आ रही है कि मकसूद प्रधानमंत्री ने ये कहते हुए दखल देने से इनकार कर दिया कि कोर्ट में ये मामला है। तो इस मामले में फिलहाल जब तक कोर्ट का दखल रहेगा वो दखल नहीं देंगे। और इधर जलीकट्टू को बैन किए जाने के विरोध में तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन अब बढ़ता जा रहा है। लाखों की संख्या में लोग पूरे राज्य में प्रदर्शन कर रहे हैं और जलीकट्टू पर जो बैन लगाया गया है उसे हटाने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, चेन्नई के मरीना बीच पर सैकड़ों की संख्या में लोग और डीएमके के कार्यकर्ता भी पहुंचे। यहाँ पर पिछले कई दिनों से जलीकट्टू के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है। तो चेन्नई के मरीना बीच की तस्वीर है जहां पर जलीकट्टू के समर्थन में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां पर हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं और मंगलवार से ही यहां पर लोगों के आने का सिलसिला जारी हो चुका था। जलीकट्टू के समर्थन में लोग पिछले कई दिनों से यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और बैन को हटाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सीएम ने लोगों से प्रोटेस्ट खत्म करने की अपील भी की है। और इस सबके बीच वरिष्ठ पत्रकार सी राजगोपालन ने कहा है कि जलीकट्टू के मुद्दे पर केंद्र ने राज्य सरकार को रास्ता दिखा दिया है, लेकिन डीएमके इस पर सियासत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम साहब का मुलाकात बड़ा स्वजाव से अच्छा रूप से कल निकल गया है। मोदी का दूरदृष्टि से सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी सरकार ने केंद्रीय सरकार लीगल टीम के ऊपर मुकुल रोहतगी साहब अटॉर्नी जनरल इवन लीगल टीम ऑफ अरुण जेटली जो ब्रेन वो सारा मिल करके एक बड़ा सा फ्रेमवर्क दे दिया है स्टेट गवर्नमेंट का।
आप अपना राज्य से अपना गवर्नर को थ्रू एक ऑर्डिनेंस प्रमोलगेट कर लीजिए स्पोर्ट्स रूप में, इसको जो एनिमल क्रुएल्टी पर नहीं लेना है। सो इस रूप में एक सुझाव निकला है, वो एक रास्ता निकल गया है, इस क्राइसिस का रास्ता निकल गया है, वो केंद्र सरकार ने रास्ता दे दिया है स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का, वो राज्य सरकार का कानून है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। रजनीकांत आज जा रहे हैं, ए आर रहमान जा रहे हैं, पब्लिक के सपोर्ट में साथ जोड़ना चाहते हैं सब लोग, तमिल प्राइड है ये, इसीलिए तो सब लोग इकट्ठा हो गए हैं तमिलनाडु में। एक रास्ता रोको एजिटेशन है, डीएमके लेफ्ट आउट है, डीएमके मतलब ये अकेले हो गया है, इसीलिए तो अपना स्थान दिखाने के लिए आज रेल रोको कर रहे हैं। रेल रोक करके क्या करेंगे, ये राजनीतिक आज से शुरू हो जाएगा।